स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया इसे कहते हैं और कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, NCERT बेस्ड पे आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या बताया? कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको स्मिट अभिक्रिया देखना है स्टूडेंट, तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर अपलोड किया गया है, वहाँ से आप स्मिट अभिक्रिया को देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद आप कोल्बे अभिक्रिया को या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया को देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं इस वीडियो में कि कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये किन किन तत्वों से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद स्टूडेंट, हम सोडियम लवण को किसके साथ गर्म करेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 1.5 ATM। कितने? 1.5 ATM तथा 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। कितनी टेम्परेचर? 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करने पर क्या प्राप्त होता है? सेल्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। सेल्सिलिक अम्ल का यहाँ पे हमारा सोडियम लवण सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सेल्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिसको अम्लीय करने पर आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल अर्थात इसको सेल्सिलिक अम्ल कहते हैं, ये हमारा प्राप्त होता है। तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा? सेल्सिलिक अम्ल, सेल्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम रिएक्शन के माध्यम से जानें कि कोल्बे अभिक्रिया कैसे प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पहले फिनॉल लेंगे। ठीक है, तो पहले फिनॉल का हम अणु सूत्र लिखेंगे। फिनॉल का अणु सूत्र होता है C6H5। ठीक है, C6H5OH ये क्या है? फिनॉल का अणु सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फिनॉल का ये अणु सूत्र है। फिर उसके बाद फ्रेंड स्टूडेंट हम क्या जानेंगे? इसकी फिनॉल की स्ट्रक्चर जानेंगे। रिंग स्ट्रक्चर में इसकी क्या होती है? संरचना सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम रिंग स्ट्रक्चर में अगर इसको लिखेंगे फिनॉल को, तो ये कैसे लिखेंगे? पहले ये किस चीज़ की संरचना है? बेंजीन की संरचना है, एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये बेंजीन किस तत्वों से मिलकर बना होता है, अब हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो ये हमने क्या बताया? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसके प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया बेंजीन की संरचना, बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बेंजीन को फिनॉल, यहाँ पे C6H5OH हमको फिनॉल लेना है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसको देखिए, जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं रिएक्शन के समय। यहाँ पे सिर्फ मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, इसे शो नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक छोड़ एक पर डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? C6H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओ लगा दिया, तो यहाँ पे ये कैसा बनकर तैयार हो गया? OH। ठीक है, यहाँ पे सब के कोने पर एक एक कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक कार्बन है कोने पर। ठीक है, और यहाँ पे OH हमने बताया, इसलिए यहाँ पे ओ ले लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा फिनॉल हो गया। ठीक है, फिनॉल हो गया। तो अब हम फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से हम आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फिर आप यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया? फिनॉल।
यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे एक छोड़ एक पर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी समूह फिनॉल में जुड़ा होता है। फिर प्लस यहाँ पे हमने क्या बताया, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एरो ऐसे लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से हमारा यहाँ से क्या बनकर निकल रहा है और क्या बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम इसको अगर राउंड कर दें इस हाइड्रोजन को, ठीक है, इस हाइड्रोजन को किससे राउंड करें, इस OH से राउंड कर दें, तो यहाँ से आप बताइए कि यहाँ से क्या बन रहा है। यहाँ से हमारा ये जो सोडियम है, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने H2O, यहाँ पे H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको हम क्या किए राउंड किए हैं। तो हमारा इसको H दो ठो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, H2O। ठीक है, इसको H2O लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा H2O क्या हुआ, निकल रहा है। ठीक है, H2O निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ऐसे प्लस करके H2O लिख देंगे। ठीक है, अगर इस तीर के निशान के नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, वही बात हो गया, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस करके H2O लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको और रिएक्शन करना है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, माइनस H2O। अगर यहाँ पर हम H2O को लिखेंगे तो प्लस में, अगर यहाँ पर लिखेंगे तीर के एरो के नीचे तो माइनस H2O लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हमने देखिए स्टूडेंट यहाँ पे H2O हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, सोडियम बचा, तो ये सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ONA, ये क्या हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारा प्राप्त क्या हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, हम इसको पहले आप ऐसे समझिए, फिर इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसको सोडियम लवण को किससे, ये सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन फिर किससे कराएंगे, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एरो तीर की निशान, तो हमने कितना बताया, CO2। ठीक है, अगर CO2 देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो अगर हमको लिख, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C00, ऐसे इसको लिख सकते हैं CO2 को। ठीक है, यहाँ पे बस यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, इसको COO ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने बताया कि ये एटमोसफियर वायुमंडलीय दाब कितना रहेगा, 1.5 ATM एटमॉस्फियर वायुमंडलीय दाब, और हम टेम्परेचर कितना बताया, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका रहेगा। ये बनेगा क्या फ्रेंड्स, तो ये क्या बनेगा, सेल्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। सेल्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, सेल्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे OH, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो COO है वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पोजीशन, आर्थो स्थिति पर जुड़ गया, COO जुड़ गया। यहाँ पे CO2 का देखिए स्टूडेंट, ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके हम CO2 से इसका सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कराएं। ठीक है, यहाँ पे CO2 का इससे सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे COO हो गया और यहाँ से O हो गया। ठीक है, अगर यहाँ O है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से अगर सोडियम हट गया, तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसके प्रत्येक कोने पर क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हैं। तो यहाँ से अगर सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो यहाँ पे सोडियम आ गया, तो हाइड्रोजन हट गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ से सोडियम हट गया तो यहाँ पर हमारा एक क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, OH। ठीक है, और जो ये सोडियम है स्टूडेंट, वो कहाँ जुड़ गया, COONA यहाँ पर आकर आर्थो पोजीशन पर जुड़ गया। ठीक है, आर्थो पोजीशन पर क्या हो गया, ये जुड़ गया।
आर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सेल्सिलिक सोडियम लवण प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये जो है ये क्या सेल्सिलिक का सोडियम लवण है, लिख देते हैं स्टूडेंट। सेल्सिलिक अम्ल का स्टूडेंट बहुत बड़ा हो जा रहा है, सोडियम लवण है, ठीक है। यहाँ पे हमने समझ लीजिए आप, यहाँ पे क्या है सोडियम लवण है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जिसको अम्लीय करने पर, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्राप्त हुआ है इसको क्या करेंगे, अम्लीय करेंगे, ठीक है। तो अम्लीय, देखिए स्टूडेंट ये बहुत ही ध्यान से समझिए, वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि दो अम्लीय मूलकों का नाम बताइए, ठीक है। तो एक हमारा होता है HCl, एक क्या होता है HCl, और दूसरा होता है HNO3। आप इसको क्या करोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड और ये क्या है नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों क्या है, ये वाइवा में पूछे जाते हैं, दो अम्लीय मूलक के नाम बताएं। तो ये क्या हो गया हमारा, HCl अम्लीय होता है और HNO3 अम्लीय होता है, तो आप यही इसी दोनों का नाम बताओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या ले लिए, HCl ले लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तीर की निशान करते हैं स्टूडेंट, फिर यहाँ पे हमने HCl को ले लिया, इसका क्या कर दिए, अम्ली कर रहे हैं, ठीक है। तो अम्ली करेंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या प्राप्त होगा, सेल्सिलिक अम्ल। ये क्या है, लास्ट उत्पाद है सेल्सिलिक अम्ल, सेल्सिलिक अम्ल हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यहाँ पे नहीं हटा, इसलिए यहाँ से आप समझ लीजिए कि आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल अर्थात क्या कहते हैं, सेल्सिलिक अम्ल, सेल्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सेल्सिलिक एसिड का आपका आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए, एक छोड़ एक पर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे, तो यहाँ से आप समझिए स्टूडेंट कि जो हमारा Na है, ठीक है, सोडियम है, ये इससे हम क्या कराएं, इसको इसका रिएक्शन कराए हैं HCl से, इस सेल्सिलिक अम्ल का सोडियम जो लवण है उसका हम रिएक्शन कराए हैं। इसको हमने तीर के निशान के ऊपर भी लिख दिया, आप चाहेंगे स्टूडेंट तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस करके HCl लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, यहाँ से देखिए स्टूडेंट NaCl, ठीक है। जब NaCl निकल गया स्टूडेंट तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, हम उसको पूरे को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा OH बचा, यहाँ पे OH है तो वहाँ पर OH बचा स्टूडेंट, और COO है, ठीक है स्टूडेंट। तो NaCl जब यहाँ पे माइनस NaCl, ठीक है, NaCl जब यहाँ से निकल गया स्टूडेंट तो हमारा COO और एक HCl का एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, COOH की जगह ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, COOH। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्लस करके NaCl भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस करके NaCl सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं। अगर इस तीर के निशान के नीचे आप लिखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस NaCl। तो आप ये लिखिए, यहाँ पे तीर के निशान के नीचे माइनस NaCl लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई एक लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो गया, सेल्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। क्या है सेल्सिलिक अम्ल, सेल्सिलिक अम्ल, सेल्सिलिक एसिड, यही हमारा OH और COOH बेंजील संरचना के जो ऊपर है ये हमारा सेल्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। और इसे एक और नाम से हम क्या बोले स्टूडेंट, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट कि ये आर्थोहाइड्रोक्सी कैसे हो गया, ठीक है, और बेंजोइक अम्ल। तो स्टूडेंट देखिए ये जो COOH लगा है वो किस पोजीशन पर लगा है, आर्थो पोजीशन पर लगा है। OH जो जुड़ा है ये किस पे है, मोनो, इसे मोनो कहते हैं। अगर इधर यहाँ पे जुड़ा रहेगा तो आर्थो हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इस कोने पर जुड़ा रहेगा तो मेटा हो जाएगा, अगर इस कोने पर COOH जुड़ा रहेगा तो पैरा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने हमारा जो COOH जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है, आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है।
तो आर्थो स्थिति को कैसे इसको मतलब इसको अगर परिभाषा करेंगे डेफिनेशन होगा स्टूडेंट, तो आर्थो का जो डेफिनेशन क्या होगा समझने के लिए हमने बताया हमारा वेंजिल जो रिंग स्ट्रक्चर की जो कोई भी फार्मूला होती है वो हमारा किस में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है, और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या आता है मेथेन एथेन आते हैं एल्कोहल आते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं स्टूडेंट उसमें हमारा फिनॉल बेंजील और बेंजल एल्डिहाइड ये सब आते हैं ठीक है। तो हमारा ये क्या है ये बेंजील और फिनॉल से मिलकर बना है ठीक है, तो ये हमारा फिनॉल है तो क्या हो गया एरोमेटिक है, तो वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके अणु बेंजील रिंग में आसपास जुड़े होते हैं ये OH और COOH क्या है एक दूसरे के क्या है आसपास जुड़े हैं, इसलिए इस पोजिशन को क्या कहेंगे आर्थो पोजिशन कहेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा सेल्सलिक अम्ल क्या हो गया बनकर तैयार। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया सेल्सलिक अम्ल बनने का विधि ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको लर्न करने के लिए एक पॉइंट हम देते हैं ट्रिक देते हैं ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा इस ट्रिक है स्टूडेंट देखिए ट्रिक है ट्रिक क्या है फेस पे फोकस फेस पर फोकस ये क्या है ट्रिक है फेस पर फोकस। तो ये किस प्रकार इसको सिद्ध करता है अब हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने क्या बताया ये फिनॉल है ठीक है ये क्या है फिनॉल है तो फेस अर्थात क्या हो गया फिनॉल ठीक है ये किससे रिएक्शन कर रहा है तो यस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्टूडेंट ये आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा कि क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि स्टूडेंट यस फॉर तो कई चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको लर्न करना ही होगा कि क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे फेस यानी फिनॉल हो गया और यस फॉर क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है पर हो गया इसका कोई अर्थ नहीं। फोकस तो फोकस क्या हो गया फिनॉक्साइड किसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ क्या लगा है Na यानी सोडियम फिनॉक्साइड ये फॉर क्या हो गया सोडियम फिनॉक्साइड ठीक है। अब यहाँ पे क दिया है क ठीक है फोकस तो क यानी क्या हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो क पर क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो यस है यहाँ पे क्या है यस स है तो इसके यानी क्या हो गया सेल्सलिक अम्ल या सेल्सलिक अम्ल का सोडियम लवण भी कह सकते हैं या सेल्सलिक अम्ल यानी हमारा लास्ट प्रोडक्ट का ट्रिक है ठीक है यहाँ पे यस पर सेल्सलिक अम्ल ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का ट्रिक फेस पर फोकस। इससे आप इस रिएक्शन के हिंट को जान सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये रिएक्शन नहीं आ रहा है तो फेस पर फोकस जरूर याद करिए ये रिएक्शन आपके माइंड में गुजरेगा ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट आज हम आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे ठीक है सुनाए कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है मिले सम्मान आपका तो मुकद्दर जाग उठता है। थैंक यू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।